हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूं यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एलिमिनेशन चेंबर के बड़े चेंजेस के बारे में। दोस्तों, एक बहुत बड़ा चेंज आया है एलिमिनेशन चेंबर के मेन इवेंट के अपडेट में। एक इमेज लीक हुआ था आज सुबह ऑनलाइन, जो था साउथ अफ्रीका टीवी स्टेशन सुपर स्पोर्ट टीवी का। जो ये पिक्चर था कि ब्रॉन्स स्ट्रोमैन अपना यूनिवर्सल चैंपियनशिप डिफेंड कर रहे हैं इन एलिमिनेशन चेंबर मैच अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर, फिन बैलर, बिग कैश, सिजारो एंड रोमन रेंस। इसका मतलब ये था कि रॉयल रंबल पेपर व्यू में होने वाले मॉन्स्टर मेन इवेंट में ब्रॉक लेसनर वर्सेस केन वर्सेस ब्रॉन्स स्ट्रोमैन फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप में ब्रॉन्स स्ट्रोमैन जीतेंगे यूनिवर्सल चैंपियनशिप। पर आज न्यूज आई शाम को कि ये पिक्चर एक्चुअली फेक है। ओरिजिनल वीडियो पोस्ट हुआ था एक यूट्यूब चैनल में, जो था 2017 अगस्त का, जहां ड्रीम मैचेस सिनेरियो बुकिंग किया था और ऐसे फोटोशॉप किया था कि यही होगा मेन इवेंट ऑफ एलिमिनेशन चेंबर पेपर व्यू। दोस्तों, ये थी फुल कंप्लीट रियल स्टोरी। पर दोस्तों, मैंने सुना कि कोई चैनल ने मुझ पर फालतू के इनडायरेक्टली ब्लेम्स किए हैं, ये कहकर कि अगर फेक न्यूज बनानी है तो अच्छी तरीके से बनाना। व्हाट द फक भाई, मैं फेक न्यूज बनाने नहीं बैठा तेरी तरह। सो ये इमेज जो लीक हुआ था वो आया था आज सुबह में, और तभी इमीडिएटली मैंने न्यूज बना दी थी। और मैंने उस वीडियो में ये भी कहा था कि मैं भी श्योर नहीं हूं कि ये पिक रियल है या फेक है, और अगर रियल है तो क्या होगा और अगर फेक है तो क्या होगा, ये भी मैंने क्लियरली बताया था। और ये न्यूज कि वो पिक्चर फेक है वो आज शाम को आई है। तो दोस्तों, मेरी कही हुई न्यूज फेक कैसे हो गई, LOL। दोस्तों, आप रेसल टॉक टीवी के चैनल को तो जानते ही होंगे। उन्होंने अभी 2-3 घंटे पहले ही न्यूज दी इस लीक पिक्चर के बारे में, और पूरी न्यूज दी और रियल न्यूज दी। ये रेसल टॉक टीवी उस चैनल का बाप है। रेसल टॉक टीवी ने कहा कि पहले पिक्चर लीक हुई थी और फिर घंटों बाद उसका फेक होने का खबर आया। रेसल टॉक टीवी की ये वाली न्यूज मैंने लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी। रेसल टॉक टीवी के बहुत सारे सब्सक्राइबर्स है, नियरली 4 लाख के अबाव, और जिन इंग्लिश चैनल्स ने जिनके कम सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने ये लीक इमेज की न्यूज डाली, रेसल टॉक टीवी ने तो उनको कुछ फेक या कुछ बोला नहीं, क्योंकि सीधी सी बात है र्यूमर्स चेंज होते ही रहते हैं। एक न्यूज आती है मॉर्निंग में और उसको चेंज होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और कुछ इंग्लिश रेसलिंग चैनल्स और कुछ हिंदी चैनल्स ने भी ये न्यूज डाली थी और साफ साफ कहा था कि ये पिक रियल है या फेक ये हमें भी नहीं पता। तो फिर उस रिटार्ड चैनल ने हम पर ऐसे फालतू इल्जाम इनडायरेक्टली कैसे लगाए, कुछ सेंस बनता ही नहीं है। दोस्तों, अगर मेरी मिस्टेक नहीं है फिर भी वो बंदा मुझे जानबूझ के कुछ भी कह रहा है, मतलब वो ये पर्सनली ले रहा है। तो देख बेटा, मुझे तेरी ये एमेच्योर और बचकानगिरी से हंसी आ रही है। दोस्तों, इन शॉर्ट वो चैनल सारे रेसलिंग कम्युनिटी को जिन्होंने लीक्ड इमेज की न्यूज डाली सबको फेक कह रहा है। अगर तू इतना ही बड़ा सत्यवादी है और तुझे पता है कि लीक पिक फेक है, तो उस पिक पर के ब्रॉन्स स्ट्रोमैन एज यूनिवर्सल चैंपियन और बिग कैश को रखा ही क्यों तूने थंबनेल में, और फिर ऊपर से बिग कैश को एरो देकर यूनिवर्सल चैंपियनशिप पर किया और लिखा भी कि बिग कैश रिटर्न्स। व्हाट द फक, तुझे तो ये लिखना चाहिए था और थंबनेल रखना चाहिए था कि लीक पिक इज फेक और समथिंग, जैसे मैंने अभी रखा है। पर तू व्यूज के लिए ग्रीडी है, हावरा है, और लोगों को बेवकूफ बनाने में तेरा कोई तोड़ नहीं है। बेटा, मैं बहुत लॉयल हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स से, और मेरे सब्सक्राइबर्स जानते हैं कौन सही है और कौन गलत है। एक बात तू भी जानता है और मैं भी, अगर मैं तुझे एक्सपोज करने पर उतर आया ना तो तू कहीं का नहीं रहेगा। इसलिए बेटा, अपना रिटार्डनेस अपने पास ही रख, वरना मैं तो बाद में रिएक्ट करूंगा पर मेरे डियर सब्सक्राइबर्स पहले रिएक्ट करेंगे। एंड द बॉटम लाइन इज, आई डोंट फकिंग टेक यू सीरियसली मैन, नेवर हैड एंड नेवर विल। Rot in peace, bitch.